हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आप लोग कैसे हो? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एलसीएम कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे भिन्न में है, ये भिन्न में है, तो भिन्नों का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। भाग विधि से एलसीएम निकालना आप लोग को बहुत तरीके से पता होगा, बहुत वीडियोज आपने देखा होगा। तो आज हम भिन्न में निकालना बताएंगे। आई शायद आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी वीडियो में आपको देखने को शायद ही मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें है 7/9, मतलब 7/9, 14/15 तथा 7/10 का लॉसर ज्ञात करना है। तो भाग विधि से तो आप लोग को पता होगा, तो भिन्न में कैसे निकालेंगे ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का हम लॉसर निकालेंगे, मतलब सबसे ऊपर वाले को सब लॉसर निकालेंगे। इसका होता है, इसकी फॉर्मूला होती है अंशों अंशों का लॉसर बटा में हरों का मौसर, हरों का मौसर। आपको पता होगा कि ऊपर वाले, जैसे यहाँ पे देखिए 7/9 है, तो 7/9 है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी, हर बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, इस सब में ये सब बताया जाता है। तो ये भी भिन्न है, तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो ऊपर वाले के क्या है, अंशों का लॉस, मतलब इन तीनों का लॉस और हरों का मौसम, इन तीनों का मौसम। तो निकालने के लिए इन तीनों का लॉस निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 7/14 एवं 7 ये लॉस है, और बटा में हमको क्या निकालना है, मौसम निकाल। तो मौसम निकालने के लिए हमारे ये तीन अंक है, तो इसका मौसम कैसे निकालेंगे, तो पहले 9 और 15 का हम यहाँ पे निकाल के बताते हैं। अगर जैसे ऊपर का छोड़ दे, 9, 15 तथा 10 का लॉसन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें दो क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, पहले 9, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जो छोटा डिजिट है उसको बाहर रखेंगे और बड़ा है उसको अंदर करेंगे। तो 9 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा 18, इसलिए 1 बार में करेंगे। तो अब माइनस करेंगे तो 15 में से 9 को माइनस किए तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 है। तो मौसा आप लोग को आता होगा, इसलिए इसका मौसा का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चेक कर लीजिएगा। तो 6 है, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो एक बार में हम क्या करेंगे, 6 को लगाएंगे। उसके बाद कितना बचा, 3 बचा है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखे। अब 3 के टेबल में कितना बार में, 2 बार में हमारा 6 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, माइनस किए तो इसको ये 0 हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो हमारा इसका मौसा कितना हुआ, 3। अब देखिए, इसका जो मौसा आया, जो 3 आया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको करेंगे। तो ये 3 से हम इस वाले 10 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 10 3 से 3 3 जा 9, माइनस किए 1, फिर ये वाला 3, तो 3 3 जा, मतलब 1 3 1 3 जा 3 हो गया, मतलब ये भी हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारा इसका मौसा क्या होगा, 9, 15 और 10 का मौसा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका नहीं होगा, जो लास्ट में आता है उसका मौसा हम लेंगे। तीन अंक का मतलब तीनों का अलग अलग मौसा निकालेंगे, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले इस वाले का निकालेंगे, इसका मौसा जो आएगा उससे हम इस वाले, मतलब थर्ड वाले डिजिट को डिवाइड करके बनाएंगे। तो हमारा मौसा कितना आया, 1 आया है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 करेंगे। और देखिए, इसका एलसीएम कितना, सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 9 × 15 × 10। अब देखिए, इस कल्टू में इन 7, 14 और 7 को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 14, देखिए एलसीएम निकाल के हम बताते हैं आपको, 7, 14 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग को वो बहुत ही आसान तरीकों में समझ में आ जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चेक कर लीजिएगा। देखिए,
अब इसको डिवाइड एलसीएम निकालेंगे तो नहीं ये 2 से होगा, नहीं ये 3 से होगा, ये क्या कितना डायरेक्ट 7 से होगा, क्योंकि 3 के नहीं 4 के नहीं 5 के किसी के टेबल में 7 नहीं आता है, तो 2 अंक मिनिमम डिवाइड होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 7 से लेकर 7 से 1 बार में, तो 14 गया 2 बार में, फिर ये 1 बार में, तो सिर्फ 2 ही बचा, तो क्या करेंगे 7 इंटू 2 इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा 14, तो इसका 7 14 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 14, और इसका मौसम निकाले तो हमारा कितना आया था 1 आया था, मौसम इक्वल टू क्या आया था 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो हम 1 लिखेंगे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 7/9 कॉमन 40/15 तथा 7/10 इसका मौसम कितना हो जाएगा 14/1, भिन्नों का मौसम निकालेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब देखिए आंसर हम यहाँ पे इतना में छोड़ भी सकते हैं, अब 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दें, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे हम 14, तो हमारा 14 आंसर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 रहता है तो डिवाइड करके हमारा क्या होता है 7 होता, तो यहाँ पे 1 है तो 1 से 14 बारे में डिवाइड डिवाइड मान लीजिए, तो ये 1 को ऐसे हटा दीजिए, तो हमारे ये कितना आंसर आ गया 14 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भिन्नों का लॉस, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया था, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।